लास्ट वीडियो में हमने सीखा था प्रॉपर्टी, सीखा था प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। लास्ट वीडियो में हमने सीखा था प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो ये जो है हमारा, इसमें हम लोग सीखेंगे कुछ क्वेश्चंस वगैरह करेंगे, वो जो हम लोग देख सकते हैं आपका एग्जाम्पल 11 का पहला क्वेश्चन है वो हम लोग कर लेते हैं। एग्जाम्पल 11 पेज नंबर है आपका 35, पेज नंबर 35 आप लोग ट्राई करिएगा घर में। पेज नंबर 35 जो पहला क्वेश्चन आपको सिंपली देखिए क्या है, मल्टीप्लाई 234 बाय 62, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करना। तो आप लोग को इस तरह से करने का जरूरत नहीं, ये ओल्ड फॉर्मूला, दिस इज ओल्ड फॉर्मूला, ठीक है। आप लोग थोड़ा नया फॉर्मूला लिया, इसको मैंने जैसे आपको प्रॉपर्टी सिखाया था ना, एक प्रॉपर्टी सिखाया था, कौन सा प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी सिखाया था। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या बताया था, ए इंटू बी प्लस सी बताया था, बताया था ये ए दोनों के साथ चला जाएगा। सिंपली आपको बस यही करना है, देखिए ए की जगह आप लिखिए 234, ठीक है, ये ए हो गया इंटू, अब यहाँ पे बी प्लस सी लिखना है, तो बी प्लस सी 60 को आप कैसे लिख सकते हैं, 60 को कैसे लिखते हैं, 60 प्लस टू लिख सकते हैं, आ गया फॉर्मूला में, है कि नहीं, फॉर्मूला में आ गया। इसको आप लोग कैसे लिख सकते हैं, 60 प्लस टू, ठीक है। अब आप लोगों को क्या करना होगा, सिंपली कुछ नहीं, जैसे दोनों को डिस्ट्रीब्यूट कर देना होगा, 234 इंटू 60 इसके साथ, फिर बीच में प्लस का प्लस, फिर 234 इंटू 2 बस। अब ये दोनों को सिंपली मल्टीप्लाई करिए, कितना होगा, 0.8 लिख दीजिए, 6 4 जा 24 2, 6 3 जा 18 19 20 2, 6 2 जा 12 14, ये हुआ हमारा इसके साथ। फिर यहाँ पे क्या है, प्लस, इसका मल्टीप्लाई खत्म, यहाँ प्लस, ये इसके साथ मल्टीप्लाई करिए, 4 2 जा 8, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, ये हमने प्लस किया। अब हम लोग ये दोनों को प्लस करेंगे, हमारा रिजल्ट क्या आएगा, 8 + 0 = 8, 6 + 4 = 10, 1 यहाँ आ गया, 4 + 1 = 5 एंड 4 1, ये जो आएगा हमारा ये रिजल्ट आएगा, ठीक है। आप लोग को ऐसे ही करना है, एग्जाम्पल 12 में क्या है, 78, हमेशा प्लस कर नहीं जाना है, आप लोग को छोटा नंबर ढूंढना है जो प्लस करके या माइनस करके जो रिजल्ट है हमारा वो सेम आए, या माइनस रिजल्ट है वो हमारा जो रिजल्ट है वो हमेशा सेम आए, वैसा नंबर आप लोगों को ढूंढना है। तो आप लोग यहाँ ढूंढ सकते, जैसे इसमें दिया हुआ एग्जांपल नंबर 12 में दिया 78, तो आप लोग 70 में प्लस ऐड करेंगे तो ज्यादा बड़ा होगा, तो इसलिए आप लोग को 80 से 2 माइनस कर देना बस, और कंफ्यूजन मत होए, अगर यहाँ माइनस रहता तो बीच में यहाँ माइनस आ जाता बस, और ये दोनों नंबर आपस में माइनस हो जाता, यही होता है, अगर यहाँ माइनस रहता तब का बात कर रहा हूँ, तो यहाँ है, हालांकि यहाँ पे माइनस है नहीं तो प्लस ही रहेगा, तो इतना आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना, बस सिंपली करते जाना है। एक और क्वेश्चन मैं आप लोग को दिखा देता हूं, जो कि यहां दिया हुआ है, सपोज 7384 × 7 + 7384 × 2 + 7384, अब क्या करेंगे, देखिए 1 2 3 कॉमन है तीनों में बस, कॉमन का मतलब आप लोग को बाहर निकाल लेना है। अब जब आपने इसमें से इसको बाहर निकाल लिया, क्या बचा 7, इसमें से इसको बाहर निकाल लिया, क्या बचा 2, अब इसके पास तो कुछ नहीं है, अकेला है, तो जब ये अकेला रहता है हमेशा इसके साथ 1 मल्टीप्लाई होता रहता है, तो जब आपने इसमें से इसको निकाल लिया तो बचा क्या 1, अब बीच में क्या है प्लस का प्लस, इसके आगे क्या है प्लस, बस सिंपल आप लोग को ऐसे करके जाना है, ठीक है। तब आप लोग क्या कर सकते हैं, 7384 × 7 + 2 = 9 एंड 9 + 1 = 10, हो गया हमारा आंसर 7384 0, ऐसे किया जाता है क्वेश्चंस, ठीक है, हो जाएगा आप लोगों से, ऐसा ही क्वेश्चन है बहुत जगह, आप लोगों को इसी तरह के क्वेश्चन देखने मिलेंगे। एक मैं आप लोग को और करवाता हूँ, एक थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, एग्जाम्पल 14 का एक क्वेश्चन है, 8 × 1428 × 125, अब लीजिए अब कैसे करेंगे, तो ऐसा कर सकते हैं, या तो यहाँ ब्रेकेट दे सकते हैं, है कि नहीं, या तो यहाँ ब्रेकेट देके कर सकते हैं, पहले 2 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कौन सा आसान होगा वो ढूंढना है आप लोगों को। तो आप लोग देखिए राउंड फिगर निकालना है आप लोगों को, राउंड फिगर होता है जिसमें 0 0 आ जाए, तो 25 के केस में 8 के साथ अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको 8 × 125 को एक जगह लिख लिया, बाकी जो है उसको हम लोग ने बाहर लिख लिया, ठीक
ठीक है। अब जब हम लोग इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा डायरेक्ट राउंड फिगर आता है 1000। अब आप लोग हमें बताइए कि इसके साथ मल्टीप्लाई करके आसान हुआ ना, ये इसके साथ मल्टीप्लाई करके आसान होगा, सिंपल यही आसान हुआ। तो आप लोगों को ऐसा नंबर ढूंढना है जो इंटू करके राउंड फिगर आए, तो राउंड फिगर आ गया 1428। अब बस सिंपली यहाँ 3 0 या 3 0 ऐड कर दीजिए, 1428000। बस इसी तरह से हमारा ये सब क्वेश्चन वगैरह किया जाता है। आप लोग एग्जाम्पल 3.3 का देख सकते हैं, पहला है नंबर 1 का 328 × 0 नंबर 1 का एग्जाम्पल एक्सरसाइज 3.3 हाँ एक्सरसाइज 3.3 है। नंबर 1 का क्या है 328 × 0 इज व्हाट, मैंने आप लोग को बताया था एनी नंबर मल्टीप्लाइड विद 0 इज ऑलवेज बियर 0। सो यहाँ रिजल्ट क्या आएगा हमारा 0। फिर दो नंबर का क्वेश्चन देखते 723 × 1 रिजल्ट क्या होगा हमारा, पूछ रहा है आप लोगों को आंसर क्या होगा। मैंने क्या बोला था कि एनी नंबर मल्टीप्लाइड विथ 1 इज दैट नंबर, तो जो नंबर को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया रिजल्ट हमारा क्या आएगा वही नंबर आने वाला है, ठीक है तो यही नंबर आएगा। फिर आप लोग एक क्वेश्चन देख सकते हैं, यहाँ पे क्या है हमारा 128 नंबर, एक आप लोग देख सकते हैं नंबर 4 का क्या दिया हुआ है 3851 × 1 = 2863 × 3851। देख सकते हैं ये ए है ये बी है, तो ये बी होना चाहिए और ये ए होना चाहिए, बस ये रहा बी ये बी, तो ए क्या होगा 2863। बस ऐसे ही आप लोगों को जिसमें कॉम्प्लीटली फील्ड है उसको ए बी मान लीजिए, बस जैसे हमने ए माना इसको बी माना, तो इक्वल क्या होता है मैंने बताया था मल्टीप्लीकेशन में ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए, यही बोला था तो ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए, तो बी ये रहा बी तो बचा क्या ए, तो ये रहा ए, ऐसे लिखना है ठीक है, ये ऐसे सॉल्व होगा। फिर आप लोग देख सकते हैं नंबर 6 का एक मैं करवा देता हूं 128 × 17 = 128 × 1 + 128 × 7 लीजिए लीजिए करिए। इसमें क्या है मैंने बोला था 128 17 को कैसे लिखेगा, 10 + 7 लिख सकते हैं ना, 10 + 7 लिखते हैं इसको, ये कैसा होता 128 × 10 होता फिर प्लस 128 × 7 होता, ऐसे ही होता। तो ये तो है यहाँ पे ये भी है यहाँ पे, क्या नहीं है ये नहीं है, तो यहाँ क्या आएगा 10 आएगा। बस आप लोग को इसी तरह से ये सब क्वेश्चन वगैरह करते जाना है, इसी तरह से आप लोगों को ये सब क्वेश्चंस वगैरह करते जाना है। बाकी मैं इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं करवाने वाला हूँ, आप लोगों को ढूंढ के यहाँ करने होंगे, लेकिन हाँ एक्सरसाइज 3.3 के नंबर 7 के क्वेश्चंस वगैरह जरूर करिएगा, थोड़ा इम्पोर्टेंट है, 7 हो 8 हो 9 हो 10 हो, जो आपका प्रॉब्लम सम्स जो है वो सब आप लोगों को करना होगा। तो इतना करके जो होमवर्क जो नहीं आया आप लोगों को जो ना सके वो प्लीज कॉन्टेक्ट करिए, मैं आप लोग को हेल्प करने के लिए रेडी हूँ हमेशा। थैंक यू।